तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे एक नया अकाउंट को सुपर सेल आईडी से कनेक्ट कर सकते हो। तो उससे पहले आपको थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि आपका TH2 होना चाहिए, मतलब Town Hall 2। देन यही एक ही रिक्वायरमेंट, और आपके पास ईमेल होना चाहिए एक। फिर आपको क्या करना है, ये सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग पे क्लिक करके, यहाँ पर डिस्कनेक्ट लिखा होगा टॉप पे, यहाँ पर डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर देना है, और फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर कंटिन्यू कर देना है। अगर गाइस थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आए तो उसके लिए सॉरी। फिर आपको यहाँ पर एक ईमेल डालना होगा जो कि आपको उससे कनेक्ट करना होगा। मैं डालता हूँ मेरा ईमेल पहले। तो गाइस मैंने मेरा ईमेल डाल दिया है, फिर आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, फिर आपके ईमेल पे एक कोड आएगा, आपको उसको एंटर करना होगा। मेरे पे आया हुआ है कोड, मैं उसको डाल देता हूँ 1295545545। सबमिट कर देना है, फिर आपको ओके पे कर देना है, और आपकी आईडी जो कि क्रिएट हो जाएगी। आपको सुपर सेल आईडी पे क्या नाम रखना है आप रख सकते हो, मैं पार्थी रखूँगा मेरा जो नाम है। फिर आपको ये कस्टमाइज़ करना होगा, मैं कर लेता हूँ ऐसे रैंडमली कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये आपकी बन चुकी है सुपर सेल की आईडी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, देखो अगर आप नई डिवाइस पे शिफ्ट हो जाओ तो आपको यहाँ पर करके क्लिक करके वहीं पर डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करके फिर आपको वहाँ पर दिखा होगा कि लॉगिन का बटन होगा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा वो इमेज। तो लॉगिन पे बटन पे क्लिक करने के बाद आपने जो ईमेल डाला था वो आपको डालकर आपके ईमेल के ऊपर एक और कोड आएगा। उसका फ़ायदा ये है कि आप मल्टीपल डिवाइस पे वो कनेक्ट कर सकते हो। बस यही थी आज की वीडियो। आप मेरा क्लैन ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मैं आपको स्क्रीन पे टैग दिखा दूँगा आपके क्लैन का। बस यही आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो भाई ज़रूर करके जाना आपके भाई का जो चैनल है। तो यह बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा सॉरी गाइस। बस यही आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस एंड आउट।